नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल शर्मा एक बार वापस एस ट्यूटर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अपनी हर मॉर्निंग में जो क्लास होती है वो करंट अफेयर्स की पहली जो क्लास होती है अपनी, अपन ने दो तीन टॉपिक्स जो बात की आपने देखे भी होंगे अपनी क्लासेस। इसके बाद आज अपना जो नया टॉपिक रहेगा आज ऐसा टॉपिक रहेगा जो राजस्थान की जो आगामी एग्जाम्स हैं जिसमें आप रीट ले सकते हो, पटवार ले सकते हो, राजस्थान पुलिस ले सकते हो, कोई भी राजस्थान की जो आगामी एग्जाम्स हैं उसमें इस जो आज अपन क्लास में पढ़ने जा रहे हैं इससे एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा। और जो टॉपिक है आपको पता है राजस्थान के एग्जाम्स की जल्दी ही घोषणा होने वाली है डेट की, ठीक है, उसको अपन ने माध्यम मानकर करंट से रिलेटेड जो भी अपने नए अपडेट्स आए हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अपनी जो आज का क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपन बात करेंगे राजस्थान की वन रिपोर्ट। अब देखो वन रिपोर्ट की अगर अपन बात करें, वन रिपोर्ट की जब मैं बात कर रहा हूं तो राजस्थान की वन रिपोर्ट 2019 की आज की क्लास जो होगी अपनी इसमें अपन इसकी चर्चा करेंगे। अब देखो दोस्तों, आप जानते हो कि वन, सब जानते हैं वन के द्वारा अपना पर्यावरण जो आज वर्तमान में अस्तित्व में है वो अपने जो वन है उनकी वजह से क्या होता है, संचालित है। अगर वन नहीं होंगे तो अपने पास ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो क्या रहेंगे, अपन भी जिंदा नहीं रहेंगे। अब देखो वन रिपोर्ट की बात करते हैं। सबसे पहले अपनी जो वन रिपोर्ट होती है प्रति दो वर्ष में क्या होती है, अपनी जारी की जाती है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस वन रिपोर्ट के इतिहास की कि सबसे पहले ये रिपोर्ट कब से शुरू हुई, किसने की, यहां से अपन इसकी स्टार्टिंग करते हैं। देखो दोस्तों, अगर अपन वन रिपोर्ट की सबसे पहले बात करते हैं तो अपने भारत में सबसे पहले वन रिपोर्ट जो जारी हुई वो वन रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों 1855 में, यानी पहली जो वन रिपोर्ट आई अपनी वो 1855 में जारी की गई। और इसको जारी करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। यानी पहली जो वन रिपोर्ट थी वो वन रिपोर्ट जारी की गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अब देखो दोस्तों, इस डलहौजी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और आता है अपने, डलहौजी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन क्या आता है कि डलहौजी के शासनकाल में ही पहली बार अपने भारत में क्या चली थी, ट्रेन भी चली थी। और पहली बार वन रिपोर्ट जो जारी की वो भी किन्होंने की थी, अपने लॉर्ड डलहौजी ने की थी। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद ब्रिटिश काल की बात करते हैं, 1800 में ब्रिटिश काल शासन था अपने यहां पे। अगर ब्रिटिश काल की अगर मैं बात करता हूं तो ब्रिटिश काल जो था, इस ब्रिटिश काल में पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई। 1894 की बात कर रहे हैं, काल था कौन सा, ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में पहली बार 1894 की जब अपन बात कर रहे हैं, 1894 में ब्रिटिश काल की जब बात करेंगे तो इस समय पहली राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी। राष्ट्रीय वन नीति जब पहली बार आई दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति पहली बार घोषित की गई कब, 1894 में। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, देखो आगे जब बात करते हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो वन है ये कौन सी सूची का विषय है। अगर सूची अपन देखते हैं दोस्तों तो देखो सूची में क्या होता है, अपन सबसे पहले बात करें जब अपना 42वां संविधान संशोधन था, इस 42वें संविधान संशोधन से पहले की अगर मैं बात करूं, कौन से पहले, 42वां जो संविधान संशोधन था दोस्तों इससे पहले की अगर मैं बात करता हूं तो 42वें संविधान संशोधन से पहले अपने जो वन थे ये वन किसके विषय में आते थे, यानी राज्य सूची के विषय में आते थे। आपने सुना होगा दोस्तों अपने संविधान में जब अनुसूचियां पढ़ते हो आप, अनुसूचियों में बात करें तो सातवीं जो अनुसूची है उसमें तीन सूचियों का उल्लेख है, एक आती है आपकी राज्य सूची, एक आती है संघ सूची और एक आती है दोस्तों कौन सी, समवर्ती सूची। तो 42वें संविधान संशोधन से पहले तो ये किस में आता था दोस्तों, राज्य सूची में। लेकिन जैसे 42वां संविधान संशोधन हो गया तो 42वें संविधान संशोधन होने के बाद अगर मैं बात करूं तो इसकी अगर अपन बात करते हैं तो वनों को डाल दिया गया कौन सी सूची में, समवर्ती सूची में। अब आपसे वर्तमान में पूछे कि वन कौन सी सूची का विषय है तो दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है, और इससे पहले किसका था, राज्य सूची का।
अब देखो आगे आगे अगर अपन बात करते हैं भारत की, और भारत में भी अगर अपन बात करें, जैसे भारत की बात कर रहे हैं, भारत में भी बात करते हैं अपन स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत की अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी, तो अगर देखो स्वतंत्र भारत की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो स्वतंत्र भारत की पहली जो वन नीति थी वो बनाई गई थी दोस्तों कब, 1952 में। 1952 में पहली बार भारत की यानी स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई, पहली बार अपन ने बनाया भारत में कब, 1952 में, ठीक है। इस वन नीति को बनाने के बाद अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो देखो 1952 में जब स्वतंत्र भारत की पहली नीति बनी, कौन सी, राष्ट्रीय वन नीति। इसके बाद अपन बात करते हैं ये 1952 में जो राष्ट्रीय नीति बनी थी, इस नीति में क्या किया गया दोस्तों, इस नीति में किया गया कि अपने 1952 में बन गई और इसमें जो संशोधन हुआ वो संशोधन हुआ दोस्तों कब, 1988 में। यानी 1952 में जो बनी उसमें संशोधन कर दिया गया कब, 1988 में संशोधन हुआ। और जब इसमें संशोधन हुआ तो संशोधन के तहत क्या किया गया दोस्तों, देखो जब संशोधन हो गया, संशोधन में ये किया गया कि भारत के जो कुल क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर क्या होने चाहिए, अपने वन होने चाहिए। यानी जब 1952 की नीति में 1988 में संशोधन हुआ तो इस संशोधन में यह किया गया कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल के लगभग 33% भाग पर क्या होने चाहिए दोस्तों, वन होने चाहिए। अब देखो यहां से अपन ने संशोधन कर दिया दोस्तों। अब आगे जब अपन बात करते हैं इसकी, इसके बाद अपने बात आती है राजस्थान की। किसकी बात करते हैं, राजस्थान की। यहां तक तो अपन ने देखा भारत में, अब इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों किसमें, राजस्थान में। अब देखो दोस्तों राजस्थान की जब बात करते हैं अपन, राजस्थान में पहले चलती थी अपनी रियासतें, क्या होती थी, रियासत। अब देखो सबसे पहले अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे पहले वन नीति जो बनाने वाली रियासत रही वो रही थी दोस्तों कौन सी, जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत ने पहली बार वन नीति बनाई, मैं लिख देता हूं यहां पे, यानी पहली वन नीति बनाने वाली जो रियासत रही वो कौन सी थी दोस्तों, जोधपुर, ठीक है। और जोधपुर ने जो पहली वन नीति बनाई थी वो लगभग 1910 में बनाई थी, कब बनाई, 1910 में। इसके बाद अगर दूसरी रियासत देखें जो वन नीति बनाने वाली थी उसमें अगर अपन देखें तो दोस्तों आती है कौन सी, अलवर। यानी अलवर ने सेकेंड नंबर पे रियासत थी जिसने क्या बनाया था दोस्तों, राजस्थान में वन नीति बनाई थी। पहली थी अपनी जोधपुर और दूसरी थी अपनी कौन सी दोस्तों, अलवर। अलवर की अगर अपन बात करते हैं तो अलवर ने जो अपनी वन नीति घोषित की थी वो की थी दोस्तों कब, 1935 ईस्वी में। यानी 1935 में अपन बात करते हैं इसकी। इसके बाद देखो आगे, आगे अगर अपन देखते हैं दोस्तों 1935 में अलवर ने वन नीति बनाई। इसके बाद अपने राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान की अगर अपन बात करें तो अपना जो राजस्थान है इस राजस्थान में 1949-50 की जब बात करते हैं अपन तो 1949-50 में राजस्थान में वन विभाग की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई दोस्तों, वन विभाग की। वन विभाग की जब अपन बात कर रहे हैं, पहली बार वन विभाग बनाया गया अपना 1949 में, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं, देखो अपने राजस्थान में एक वन अधिनियम भी पारित हुआ था इसके बाद, यानी 1950 में तो वन विभाग बनाया अपन ने, इसके बाद राजस्थान में एक राजस्थान वन अधिनियम भी पारित हुआ, ठीक है। राजस्थान वन अधिनियम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो राजस्थान वन अधिनियम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो राजस्थान वन अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था अपना 1953 में, ठीक है। यानी राजस्थान वन विभाग तो बना था 50 में और अधिनियम बनाया अपन ने कब, 1953 में। अब देखो दोस्तों आगे, आगे जब अपन बात करते हैं, राजस्थान वन अधिनियम बना दिया, इसके बाद अपन बात करते हैं कि राजस्थान में पहली राज्य वन नीति कब बनाई गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से अपने सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं दोस्तों। देखो राज्य वन नीति की अगर अपन बात करें, यानी राजस्थान सरकार द्वारा या राजस्थान में पहली राज्य वन नीति कब बनाई गई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से इसका बनता है।
और इसकी अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो राजस्थान ने पहली जो राज्य वन नीति बनाई थी वो बनाई थी दोस्तों 8 फरवरी 2010 को, यानी राजस्थान में पहली राज्य वन नीति बनाई गई 8 फरवरी 2010 में बनाई गई। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, ये राज्य वन नीति बनाने वाला राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य था जिसने पहली बार राज्य वन नीति बनाई थी, ठीक है, यानी भारत का एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य जिसने क्या बनाई थी, वन नीति पहली बार बनाई थी। और पहली बार जो वन नीति बनाई अपन ने वो बनाई थी दोस्तों कब, 8 फरवरी 2010 को। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, भारत में अगर वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं, यानी भारत वन संरक्षण अधिनियम, इसकी अगर अपन बात करें सेंटर लेवल पे अगर अपन बात करते हैं, तो ये जो अधिनियम था, ये अधिनियम लाया गया था अपना दोस्तों 1980 में। कब लेके आए थे, 1980 में, यानी भारत वन संरक्षण अधिनियम 1980 लाया गया। और इस अधिनियम को पारित होने के बाद भारत में 1981 की बात कर रहे हैं, और भारत में 1981 की जब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो भारत में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। किसकी स्थापना, वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। और ये वन अनुसंधान जो केंद्र है दोस्तों, ये है अपना कहां पे दोस्तों, देहरादून में, कहां पे है, देहरादून, ठीक है, देहरादून में है अपना अनुसंधान केंद्र भारत का, जो वन में वनों से संबंधित जो अनुसंधान होते हैं, रिसर्च जो होते हैं, वो अपने कहां पे होते हैं दोस्तों, देहरादून में। आपको पता है कि जो अपने पुराना जीके का अपन करंट तो पढ़ रहे हैं, उसके साथ उसका बैक यानी इतिहास भी पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों। जैसा अपन कहते हैं ना कि इफ यू आर नॉट अपडेटेड तो यू आर आउटडेटेड, अगर आप भारत के प्रशासन से अगर अपडेट नहीं रहते तो आपका यहां पे रहने का मतलब अपन क्या हो जाते हैं, एग्जाम में भी आउटडेट हो जाते हैं, क्योंकि जो पुराना इतिहास होता है उसी को करंट के साथ जोड़कर पूछा जाता है। आपने जब रिपोर्ट पढ़ी होगी तो इससे पहले रिपोर्ट आपके जो बुक्स में दे रखी है वो 2017 वाली दे रखी है, और लेटेस्ट जो रिपोर्ट आ गई अपनी दोस्तों वो कौन सी आ गई है, आपने सबको पता है कि 2019 वाली नई रिपोर्ट अपनी जारी हो चुकी है। अब देखो दोस्तों आगे आगे अगर अपन बात करते हैं, अब स्पेशल चलते हैं अपन राजस्थान में, किसमें चलते हैं दोस्तों, राजस्थान। और राजस्थान में अगर बात करें तो राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट, स्पेशल इस रिपोर्ट की बात करेंगे दोस्तों, स्थिति रिपोर्ट। स्थिति रिपोर्ट में अगर अपन बात करें तो ये जो स्थिति रिपोर्ट है ये अपन अभी पढ़े थे, कब जारी हुई है, 2019 में जारी हुई है, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसकी बात करते हैं अपन, इसकी जब अपन बात करते हैं दोस्तों, तो आप जानते हो कि राजस्थान वन स्थिति जो रिपोर्ट है ये किसके अधीन आती है, अपने भारतीय जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसके अंडर में आती है ये, यानी इसकी जो मेन संस्था है जो इसका सर्वे करवाती है वो है अपनी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, इसी के अधीन आती है अपना राजस्थान भी, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसकी अगर अपन बात करते हैं डेट की, कि जो अपनी जो ये रिपोर्ट जारी हुई इसकी डेट क्या रही, जब अपन बात कर रहे हैं कि 2019 में जारी हुई, तो 2019 में इसकी अगर अपन डेट की बात करते हैं तो ये जो डेट थी दोस्तों ये थी 23 दिसंबर 2019। कौन सी थी दोस्तों, 23 दिसंबर 2019, 23 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट जारी की गई। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि कौन से नंबर की है, यानी इसका संस्करण पूछ सकता है आपसे कि ये जो वन रिपोर्ट आई है दोस्तों ये कौन से नंबर की है, वन रिपोर्ट की अगर मैं बात करता हूं तो अपना जो संस्करण है दोस्तों ये कौन से नंबर की रिपोर्ट आई है, 16वें नंबर की रिपोर्ट आई है। और देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा, इस बार सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि इस बार जो वन रिपोर्ट जारी हुई थी 2019 वाली, ये जो रिपोर्ट थी ये अपने एक उपग्रह द्वारा इसका क्या किया गया था, सर्वे किया गया था। और आपसे पूछे कि जो अपना उपग्रह था यानी जो सैटेलाइट था, और आप जानते हैं दोस्तों सैटेलाइट किसके अधीन आते हैं, सारे सैटेलाइट की अगर अपन बात करें तो आते हैं किसके अधीन, इसरो के अधीन। अपने जितने भी मिसाइलें बनती हैं या हथियार जो बनाए जाते हैं वो आते हैं डीआरडीओ के अधीन।
और जो अपने अंतरिक्ष से संबंधित जो भी होते हैं यानी उपग्रह, जो ग्रह पे अपन जो भी भेज रहे हैं या जो भी अपन ने कोई मिशन होता है वो कौन करता जारी, इसरो। और कोई भी मिसाइल बनाने का कार्य होता है किसका दोस्तों, डीआरडीओ का। तो अपने इसरो का ही एक उपग्रह था जिसका नाम था रिसोर्ट और रिसोर्ट का नाम था टू। इस उपग्रह द्वारा पहली बार अगर अपन बात करें तो इसके द्वारा इस बार सर्वे रिपोर्ट यानी वन रिपोर्ट जारी की गई थी। इसने इसका सर्वे किया था, किसने, रिसोर्ट टू ने। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों, देखो आगे आगे अगर आप अपना दिमाग में क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल आप जानते हैं दोस्तों कितना है, राजस्थान के एरिया की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल आप हमेशा किस में निकालते हो दोस्तों, स्क्वायर किलोमीटर में। राजस्थान के वर्ग किलो उसकी बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर। ये तो अपना टोटल राजस्थान का क्या आ गया दोस्तों, क्षेत्रफल आ गया। अब इस क्षेत्रफल में अगर अपन बात करें कि वनों का क्षेत्रफल, किसकी बात करें दोस्तों, वन क्षेत्रफल की। देखो टोटल तो आप सब जानते हो कि 342,239 है। अगर अपन इसमें बात करते हैं कि वनों की अगर अपन बात करें तो वनों का जो है वो है 32,337 वर्ग किलोमीटर, 32,337 वर्ग किलोमीटर जो है ये अपने राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से अगर निकाले इसको तो इसमें अपनी क्या आती है दोस्तों, वन रिपोर्ट आती है। अब देखो आगे, अब यहां से जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो बिल्कुल ऐसे कैसे एग्जाम में आपको मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं कि राजस्थान के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वन फैले हुए हैं, यानी वनों का प्रतिशत क्या निकालेंगे, वनों का प्रतिशत, और केवल किसमें निकालेंगे दोस्तों, राजस्थान में। किसमें बात करेंगे, राजस्थान में। ये देखो रीत के एग्जाम के लिए, पटवार का एग्जाम, राजस्थान पुलिस का एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अपना, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछली बार आरएस में भी वनों से क्वेश्चन आया था, हर एग्जाम में वन रिपोर्ट से क्वेश्चन, और नया अपडेट है तो क्वेश्चन आने की संभावना भी क्या रहती है दोस्तों, ज्यादा रहती है। राजस्थान में वनों का अगर परसेंट निकालते हैं अपन तो वनों का जो परसेंट होता है दोस्तों वो होता है टोटल परसेंट कितना है वर्तमान में, 9.57% अपने राजस्थान में कुल क्या है, वनों का प्रतिशत है। अगर इसकी तुलना दोस्तों मैं भारत के क्षेत्रफल से करता हूं, किसके से करें इसकी तुलना, भारत के क्षेत्रफल से, भारत के क्षेत्रफल से अगर अपन इसकी तुलना करते हैं दोस्तों तो इसकी जब तुलना करेंगे तो भारत का जो कुल वन आवरण है यानी भारत में कुल जो वन फैले हुए हैं उसका, भारत का जो है वो 4.28% है। यानी भारत का टोटल जो वन क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट, 4.28%, और राजस्थान में वनों का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 9.57%। अब देखो आगे, अब यहां से जब अपन बात करते हैं आगे वनों की, जब बात कर रहे हैं तो अपन करेंगे दोस्तों वनों का वर्गीकरण, ठीक है। और वनों का वर्गीकरण अगर अपन कर रहे हैं यहां पे तो वनों का जो वर्गीकरण करेंगे दोस्तों अपन वो करेंगे प्रशासनिक आधार पर, किसके आधार पर, प्रशासनिक आधार पर। प्रशासनिक आधार का मतलब होता है कि सरकार द्वारा वनों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। और लगभग जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो 99% जो क्वेश्चन बनता है वो प्रशासनिक वर्गीकरण से ही बनता है। प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर अगर दोस्तों अपन देखें तो देखो अपन बात करते हैं प्रशासनिक वर्गीकरण के आधार पर वनों को तीन भागों में बांटते हैं, कितने भागों में, तीन भागों में, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में अगर अपन बात करते हैं तो देखो कौन कौन से होते हैं दोस्तों। पहला जो वन होता है प्रशासनिक आधार पर वो होता है अपना आरक्षित वन, कौन सा होता है दोस्तों, आरक्षित वन। दूसरे जो वन होते हैं उसको अपन बोलते हैं दोस्तों कौन से वन, रक्षित वन, या इसको आप बोल सकते हो दोस्तों संरक्षित वन, एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो तीसरे जो वन रिपोर्ट में अगर अपन बात करें तो तीसरे जो वन आते हैं वो आते हैं अवर्गीकृत वन, ठीक है। आप देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ये वन कैसे होते हैं, यानी क्यों, किस आधार पर इसको बांटते हैं, आपसे परिभाषा पूछे मान लो इसकी।
परिभाषा कैसे बनती है दोस्तों, आपसे पूछ ले कि आरक्षित वन क्या होते हैं। ठीक है, आरक्षित वन वे वन होते हैं जिन पे कटाई और पशु चारण पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, यानी ना तो इसमें अपन पशुओं को चरा सकते दोस्तों और ना ही इसमें अपन क्या कर सकते, कटाई कर सकते। अब देखो, जब कटाई भी नहीं कर सकते और पशु चारण भी नहीं कर सकते तो वे वन कौन से आते हैं दोस्तों, आरक्षित वन। इसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, रक्षित की। रक्षित वनों का मतलब होता है कि वे वन जिसमें कटाई हेतु सरकार द्वारा क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, और छूट उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जो लाइसेंसधारी व्यक्ति होते हैं, जिनको सरकार लाइसेंस देती है, उसके द्वारा ही इन वनों को क्या किया जा सकता है दोस्तों, काटा जा सकता है। और अवर्गीकृत वन क्या होते हैं, अवर्गीकृत वन ऐसे होते हैं जो सरकार के अंडर में तो आते हैं, लेकिन अवर्गीकृत वनों में ना तो पशुचारण पे रोक होती है और ना ही क्या होता है दोस्तों, कटाई पे रोक होती है। जैसे अपन सब गांवों से बिलोंग करते हैं, अपने जो वन होते हैं गांवों में, जो पहाड़ होते हैं उसमें, अपने जो पहाड़ आते हैं वो किसमें आते हैं, अवर्गीकृत में, क्योंकि आप जानते हो बरसात के दिन जब दिन आते हैं, बरसात के दिन आते हैं तो अपनी ड्यूटी भैंस चराने में इन्हीं वनों में लगती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जब सर्दियां आती है तो घरवाले बोलते हैं बेटा तेरे को सर्दी में क्या चाहिए, गर्म होने के लिए वो चाहिए लकड़ियां, तो अपन ये भी काट के कहां से लाते हैं दोस्तों, अवर्गीकृत वनों से ही काट के लाते हैं। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन या तो आपसे पूछता है कि इनका टोटल प्रतिशत कितना होता है, ठीक है, या फिर आपसे पूछेगा इन वनों का क्षेत्रफल। क्या पूछेगा आपसे, इन वनों का क्षेत्रफल, या तो पूछेगा प्रतिशत और यह क्या पूछेगा, क्षेत्रफल। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं दोस्तों, ज्यादा प्रतिशत से। प्रतिशत की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो अपने जो आरक्षित वन है वो तो आते हैं आपके 38.11%। कितने आते हैं, 38.11%। अगर अपन बात करें किसकी, रक्षित वन की। रक्षित वन की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो ये आते हैं 55.64%। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं दोस्तों तो लास्ट बचता है अपना अवर्गीकृत वन, और अवर्गीकृत वनों की अगर अपन बात करें दोस्तों तो यह आता है अपना 6.25%। अगर इसको आप जोड़ोगे तो लगभग आपका कितना परसेंट हो जाएगा टोटल, ये 100%। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, क्षेत्रफल की। जब क्षेत्रफल में अपन बात करते हैं अवर्गीकृत वनों की, तो अवर्गीकृत वनों में अगर अपन देखें तो इसमें आता है 12,475 वर्ग किलोमीटर। कितना आता है दोस्तों, 12,475 वर्ग किलोमीटर। अगर अपन बात करते हैं दोस्तों किसकी, रक्षित की। रक्षित की अगर अपन बात करें तो इसमें आता है 18,217 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट में अगर बात करते हैं अवर्गीकृत की तो इसमें आता है दोस्तों 2,045 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, हर बार क्वेश्चन आता है इसमें। हर बार क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसको अगर आप टोटल जोड़ोगे तो अपना वही आ जाएगा 32,337 वर्ग किलोमीटर के आसपास हो जाएगा। और पिछली बार आरएस के प्री में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों वो प्रतिशत से आया था यहां से। ठीक है, क्षेत्रफल कम पूछता है और क्या ज्यादा पूछता है, इसका प्रतिशत ज्यादा पूछता है। अब देखो आगे, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। देखो आगे जब अपन बात करेंगे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वनों वाले जिले कौन से हैं, सबसे कम वनों वाले जिले कौन से हैं। राजस्थान में वनों की स्थिति देखते हैं। देखो दोस्तों, जिलों के आधार पर राजस्थान में स्थिति अगर अपन देखें तो देखो दोस्तों, राजस्थान की अगर अपन बात करें, सबसे पहले अपन देखेंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले, किसकी बात करेंगे, सर्वाधिक वनों वाले जिलों की बात करेंगे। सर्वाधिक वनों वाले जिलों में अगर अपन देखें दोस्तों तो पहले आता है आपका उदयपुर। कौन सा आता है, उदयपुर। दूसरे की अगर अपन बात करें दोस्तों, दूसरा जिला आता है आपका अलवर। और तीसरे की अगर अपन बात करते हैं तो वह आता है अपना कौन सा, प्रतापगढ़। यानी तीन जिले शीर्ष में आते हैं इसमें। पहला सबसे ज्यादा वन है अपने उदयपुर में, दूसरा नंबर आता है दोस्तों अलवर का, तीसरा जो नंबर आता है वो आता है अपना किसका दोस्तों, प्रतापगढ़ का। अब देखो आगे,
अब आपसे पूछेगा कि सर उदयपुर में कितना प्रतिशत है वनों का, अलवर में कितना है। तो देखो इस उदयपुर की अगर अपन बात करें तो उदयपुर में जो वनों का प्रतिशत है दोस्तों वो है 23.51%। अगर अपन बात करें किसकी, अलवर की, अलवर की अगर मैं बात कर रहा हूं दोस्तों तो कितना परसेंट आएगा, 23.33%। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं लास्ट में किसकी, प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ की अगर मैं बात करूं तो इसमें आती है दोस्तों 17.76%। ये अपने राजस्थान में जो जिले हैं उनमें वनों का क्या है दोस्तों, परसेंट आता है इसमें। इसके बाद अगर अपन देखें, देखो दोस्तों अपन ने यहां तक बात करी है कि राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाले जिले अपन ने देख लिए। इसके बाद अपन बात करते हैं कि राजस्थान में न्यूनतम वनों वाले जिलों की बात करेंगे अपन। न्यूनतम वनों वाले जिलों की अगर अपन बात करें दोस्तों तो न्यूनतम वनों वाले जो जिले हैं इसमें अगर आप बात करते हैं तो देखो सबसे एक नंबर पे जो आता है दोस्तों वो आता है अपना कौन, चूरू। चूरू के बाद अगर अपन सेकंड नंबर पे निकालते हैं दोस्तों तो इसमें आता है अपना कौन, हनुमानगढ़। और तीसरे नंबर पे अगर अपन बात करें दोस्तों तो इसमें आता है अपना कौन, जोधपुर। यानी तीन जिले ऐसे जहां पे सबसे कम वनों का प्रतिशत पाया जाता है। इसकी अगर अपन बात करें प्रतिशत में तो देखो एक प्रतिशत में जब बात कर रहे हैं अपन, प्रतिशत में अगर बात करें तो इस अपना जो चूरू जिला है इसमें केवल वनों का जो विस्तार है वो 0.47% आता है। हनुमानगढ़ की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो हनुमानगढ़ में आता है 0.59%। और अगर जोधपुर की बात करते हैं तो जोधपुर में आता है दोस्तों 0.83%। अगर अपन बात करें ये तो प्रतिशत की, चूरू में 0.47, हनुमानगढ़ में 0.59 और जोधपुर में कितना, 0.83%। अगर अपन क्षेत्रफल की बात करते हैं तो देखो इसमें क्षेत्रफल आता है 82 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करूं हनुमानगढ़ की तो इसमें आता है दोस्तों 90 वर्ग किलोमीटर। और अगर अपन बात करते हैं जोधपुर की तो जोधपुर में जो प्रतिशत आता है दोस्तों वो कितना आता है अपना, 108 वर्ग किलोमीटर। अब देखो दोस्तों आगे अपने से पूछेगा कि राजस्थान के कितने जिले ऐसे रहे जहां पे वनों में वृद्धि हुई, कितने जिले ऐसे रहे जहां पे वनों में कमी हुई, और कितने जिले ऐसे रहे जहां पे ना तो वृद्धि हुई और ना ही क्या हुई दोस्तों, कमी हुई। इसको अगर अपन बात करते हैं, इसको नोट में देखते हैं। नोट की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो राजस्थान के 16 जिले ऐसे रहे जहां पे वनों में क्या हुई, वृद्धि। कितने जिले दोस्तों, 16 जिले जहां पे वनों में क्या की गई, वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कमी वाले जिले अगर अपन देखें तो 13 जिले ऐसे रहे जिनमें क्या हुई दोस्तों, कमी हुई वनों के प्रतिशत में। और इसके बाद अगर आप जोड़ोगे इसको 16 और 13 हो जाते हैं 29, और बच गए कितने जिले दोस्तों, 4 जिले। 4 जिले राजस्थान के ऐसे रहे जहां पे ना तो वृद्धि हुई और ना ही क्या हुई दोस्तों, ना तो वृद्धि और ना ही क्या हुई अपनी कमी। ये दोनों क्या नहीं, दोनों ही नहीं हुई इसमें, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर यहां से कि राजस्थान के 4 जिले ऐसे कौन से हैं जहां पे वनों में क्या नहीं हुई, ना तो वृद्धि हुई और ना ही कमी हुई। इसकी अगर अपन बात करें तो एक तो है दोस्तों आपका करौली, कौन सा है, करौली। एक अगर अपन बात करें, एक आता इसमें धौलपुर। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, इसके बाद चूरू हो गया और दौसा हो गया, ठीक है। 4 जिले ऐसे रहे जहां पे ना तो कमी और ना ही क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई। करौली हो गया, धौलपुर हो गया, दौसा हो गया और कौन सा हो गया दोस्तों, चूरू हो गया। अब देखो आगे, आगे अगर अपन बात करते हैं, ये तो हो गए राजस्थान के ऐसे जिले जहां पे ना कमी, किसी में कमी, 16 जिलों में वृद्धि, 13 में कमी और 4 में ना कमी ना वृद्धि। इसके बाद अपन बात करते हैं अपने वनों का सामान्य वर्गीकरण। आपसे पूछ सकता है ये, जैसे रीट के एग्जाम में इसमें आ सकता है सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में क्या है, जैसे अपन मानते हैं ना पतझड़ वन, मानसूनी वन, उष्ण कटिबंधीय वन, ये क्या होते हैं अपने वनों का सामान्य वर्गीकरण होता है दोस्तों। सामान्य वर्गीकरण के आधार पर अगर अपन देखते हैं तो वनों को 5 भागों में बांटते हैं अपन। कितने डिवाइडेशन होते हैं, 5। 5 भागों की अगर अपन बात करें
पहला जो भाग होता है दोस्तों उसकी अगर अपन बात करें तो इसमें आता है शुष्क सागवान वन। क्या आते हैं? शुष्क सागवान वन। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों नंबर दो की बात करते हैं, पहला हो गया शुष्क सागवान वन, दूसरे की अगर अपन बात करें उष्णकटिबंधीय शुष्क धोक वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क धोक वन। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं दोस्तों नंबर तीन की, इसमें आता है अपना उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय कांटेदार वन, ठीक है, या सीधा अपन लिख सकते हैं मरुस्थलीय कांटेदार वन, ठीक है, जो मरुस्थल में वनस्पति पाई जाती है उसकी बात कर रहे हैं अपन, कांटेदार वन। नंबर चार की अगर देखो, एक नंबर पे अपन ने सागवान, दूसरे पे धोक वन, तीसरे पे कांटेदार, चौथे पे अगर अपन बात करें पतझड़ मिश्रित वन, कौन से आते हैं दोस्तों? पतझड़ मिश्रित वन। और इसके बाद दोस्तों अगर अपन बात करते हैं लास्ट वाले जो अपने सामान्य वनों में आते हैं उसका नाम है सदाबहार वन, ठीक है, सदाबहार वन। सदाबहार वन ज्यादा पूछता है अपने से, सदाबहार वन वे वन होते हैं जो क्या होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं, जो अपने दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। अब देखो दोस्तों इनसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इनका परसेंट, क्या पूछ सकता है? प्रतिशत। प्रतिशत में अगर अपन देखें तो शुष्क जो सागवान वन है ये अपने राजस्थान में पाए जाते हैं 6.86% भाग पर, कितने पे? 6.86। इसके बाद अगर अपन बात करें शुष्क धोक वन 58.11%, यह आता है अपना 58.11%। इसके बाद यह आता है दोस्तों 6.26%। इसके बाद अपन बात करते हैं पतझड़ मिश्रित वन की, पतझड़ मिश्रित वन की अगर अपन बात करें तो इसमें आता है 28.38%। और इसके बाद अगर लास्ट की अपन बात करते हैं तो यह आता है 6.39%। तो ये अपने वनों का सामान्य वर्गीकरण, और उसमें अपन ने पहले पढ़ा था दोस्तों कौन सा, जिसकी अगर अपन बात करें तो उसमें अपन ने पढ़ा था कि वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। तो अपने एग्जाम्स में यहां वन जो रिपोर्ट आई है इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस, जो अपन ने पढ़ा है, जो मेन जो अपना टॉपिक रहता है जहां से क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, उसका सारा एनालिसिस अपन ने इस क्लास में कर लिया है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो पे कमेंट्स करने हैं, और आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।